की गला अगर ख़राब हो जाए क्या क्या ऑप्शंस है घर में, मैं जो खुद के लिए यूज़ करता हूँ वो सभी ऑप्शंस मैं बताऊँगा। सबसे पहले वाटर वेपर लेना है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो कुछ ऐसा है, जैसे मिनिमम आप दो बार ले सकते हैं, सुबह में एक बार, रात में एक बार सोने से पहले। खाने में हनी लेता हूँ मैं, हनी हेल्प करता है गला साफ़ करने में। मुलेठी ले सकते हैं, भूजा हुआ जो चना होता है, भुना हुआ, उसका छिलका हटा करके जो वो चना को पूरा अपने मुट्ठी भर के, जितना ज़्यादा आप मुँह में रख सके, पूरा मुँह भर के एक बार में खा लीजिए। वो बहुत सूखा होता है, खा लीजिए। और उसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है, वो बहुत ड्राई होता है। फिर वो अपने आप खाने के मतलब आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है। एक्स्ट्रा मैं काढ़ा भी बना लेता हूँ कभी कभी, तुलसी का एक। मैं जब अगर बहुत गला फंसा रहे तो ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ के बारे में भी सोचना है, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो वो तो हेल्थ के लिए भी ख़राब है ना, गले में भी सनसनाहट पैदा करता है। वोकल कॉर्ड बहुत नाजुक चीज़ होती है। बहुत गर्म खा लिए तो वो जला देगा, बहुत तीखा खा रहे हैं तो वो भी जला देगा। सब कुछ खाएंगे, मैं कुछ मना नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा गला गर्म होता है हमारा। अब इसमें अचानक से फ्रिज का कुछ ऐसा पानी जो बहुत 0 डिग्री सी पे हो, 1 डिग्री सी, 2 डिग्री सी, एकदम ठंडा पानी बर्फ से निकला हुआ, वो पी लिए तो वो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ना, खराब ही करेगा गले को। बहुत शोर शराबा हो रहा है उसमें, आप भी जाके शोर शराबा कर रहे हैं, बहुत जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो भी गले पे, ये तो वोकल कॉर्ड है ना, इसको आदत है सुर में गाने की। आप रियाज कर रहे हैं और अचानक से कुछ करने लगे अलग हटके, तो फर्क पड़ेगा। प्राणायाम्स करें, अनुलोम विलोम, जो सांसों का जो प्राणायाम होता है, फिर भ्रामरी प्राणायाम होता है, ऐसे बंद करके, कानों को बंद करके सांस लेके, ऐसे ओम की आवाज़ निकालेंगे तो उससे गले में वाइब्रेशन होती है, गला खुलता है थोड़ा।